अल्लाह मोहम्मद वाल सैद् महमद वसाभ वारकलम असलकुम कैसे हैं उम्मीदें सब खेरे से होंगे देख रहे हैं आज कल कि मैं तो पाकिस्तान आई हुई हूँ वो मैंने पहले ही बता दिया है मैं ग्यारह सालों के बाद आई हूँ ये भी मैंने पहले ही बता दिया है लेकिन आज जो दिखा रही हूँ और बता रही हूँ वह शायद पहले ना बताई हो <laughs> तो वीडियो के स्टार्ट में आप देख चुके हैं कि मैं अपने चाचा और चाची के घर आई हुई हूँ यहाँ पाकिस्तान में अल्हमद जब आप हों तो आप को आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप कहीं भी एक जगह रहें तकरीबन कि हर किसी को यही होता है कि आप हमारे पास ज़्यादा दिन रहे तो खैर अभी तो मैं अपने चाचा के घर आई हुई हूँ और यह कि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है लेकिन यह कि गर्मी थोड़ी हो गई है और धूप भी तेज़ हो गई है दिन पे दिन के टाइम पे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है तो आज जो है ना हमारा दिल चाह रहा था कि हम पिज़्ज़ा बनाएँ बाहर का तो पिज़्ज़ा यहाँ पर हम मंगवाते ही रहते हैं लेकिन आज मेरा भी दिल चाह रहा था गर्मी तो थी लेकिन मैंने काफ़ी टाइम में तो मतलब बैठी रहती थी कुछ करती नहीं थी तो मैं भी थोड़ा बोर हो रही थी मैंने कहा चलो आज ये कि चीज़ें पड़ी हुई हैं तो फिर क्यों ना हम आज पिज़्ज़ा ही बना लें पिज़्ज़ा की रेसिपी तो आपको पता है कि मैं पहले ही जो है ना काफ़ी मरतबा शेयर कर चुकी हूँ तो ज़ाहिर बात है यह मेरी चची ने देखी तो वो भी कहने लगी और बच्चे भी कहने लगे कि हमें जो है ना पिज़्ज़ा अपना बनाकर टेस्ट करवाएं पिज्ज़ा बनाना इतना मुश्किल तो नहीं था लेकिन मुश्किल ये था कि मैं जो है ना इन ओवन पे जो इनका था उन पर मैं इतनी यूज नहीं थी मैं अपने पे ही थी और पैन भी मुझे छोटा बहुत लगा मेरा तो काफ़ी बड़ा पैन है तो कुछ चीज़ें थी और ये कि माजिला चीज़ जो है ना वो भी इतनी सॉफ्ट थी कि बस जैसे ही मैं उसको पैन में डाल रही थी वो तो बिल्कुल हाथों मेल्ट हो रही थी शायद गर्मी की वजह से लेकिन मज़ा बहुत आया मुझे नई चीज़ों के साथ नई जगह पर पिज़्ज़ा बनाने में तो सबको माशाल्लाह बहुत ही पसंद आया अभी एक ही पिज़्ज़ा बनाया था और मैं डाला था वो मुश्किल से बन रहा था बहुत तो मेरी भाभी आ गई जो कि मुझे कह रही थी कि आप शॉपिंग पे चल रही हैं तो चलें आ, तो मैं उनके साथ चली गई क्योंकि वो मेरी भतीजी की भी शादी है तो हम उसकी तैयारी में लगी हुई हैं तो मैंने मौके की क्या कह के नज नजाक तो नहीं लेकिन चांस देखा और जो है मैं मेरी चची ने भी कहा कि नहीं आप जाके पहले शॉपिंग करो क्योंकि कभी भी चांस मिल जाए ना पाकिस्तान में तो अच्छा है, होता रहे काम और हम तो हमारे दिन भी बहुत थोड़े थे यहाँ पर तो उनमें अगर जल्दी दी आप शॉपिंग कर लें तो बहुत ही बेहतर है पहले से आप रेडी हो जाने के लिए तो बाकी टाइम जो है ना आसानी से आराम से रिलैक्स होकर गुजार सकते हैं तो इसी वजह से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं पहले जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लूँ तो ये खैर मैं तो एक बना कर चली गई थी बाकी जो है ना मेरे यहाँ चाची ने फेस किया लेकिन बहुत मुश्किल था उनके ओवन की वजह से काम ही नहीं निकल रहा था और मैं पता ही नहीं चल रहा था कि इसको कैसे करें शॉपिंग तो मैंने कर ली शाम आ, मतलब दिन के टाइम पे अब शाम का टाइम है रात हो चुकी है तो अब जो है ना हम लोग सब जा रहे हैं मेरे भाई और उनकी पूरी फैमिली दावत पर हम होटल में डिनर करने जा रहे हैं और ये कि हम सारों ने प्लान किया कि एक जगह पर जमा होंगे मेरे तीन भाई हैं उनकी पूरी फैमिली माशाल्लाह उनके बच्चे और वो सब और मेरी भाभियाँ और मे भी और मेरी बेटी हम सब जो है डिनर के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में तो दिन होता है सुबह से शाम होती है पता ही नहीं चलता कि कैसे दिन गुज़र गया माशा और ये कि अच्छे से गुज़रता है बाकी यू एस में तो मैं कहती हूँ कि सिर्फ ये कि काम काम में ही हर मतलब घूमना फिरना पर, भी ऐसे ही लगता है जैसे कोई काम कर रहे हैं लेकिन माशाला यहाँ पर बहुत ही मज़े मज़े से टाइम गुजर रहा है मतलब शाम होती है तो शाम का भी भरपूर मज़ा लेते हैं दिन तो गर्म होता है लेकिन शाम को बहुत ही मज़ा आता है तो हम आए हुए हैं अभी नए यहाँ पर मेरे ख्याल में हैदराबाद में रेस्टोरेंट खुला है हवेली हैदराबाद हवेली के नाम से तो हम वहाँ पर आए थे और ये कि मेरी भतीजी उसकी भी बर्थडे थी तो हमने सोचा कि क्यों ना वो भी हम सेलिब्रेट कर लें तो हम सब को भी बहुत खुशी हुई इसकी बर्थडे पर और हम सब साथ भी थे सारे लोग तो उसी वजह से तो और ही बहुत मज़ा आ रहा था तो ये हुआ हुआ ये कि यहाँ पर हम हमने हमने तो के, हम केक काटेंगे तो पता नहीं वेटर वगैरह ने मैनेजमेंट ने ये समझा कि हम कोई ज़्यादा ही टाइम लेंगे लेकिन फिर भी हम उसके बाद हम उनको बार बार कह रहे थे कि हमें जो है ना हमारा ऑर्डर ले लें ले और ये कि हमने काफ़ी देर पहले दिया हम अब फारग होकर बैठ भी चुके हैं बाद जे कहा कि एक काट कर दो तो, अब तो प्लीज़ हमें देना तो वेटर ने कहा कि भाई मैम फाइव मिनट्स में हम आपका ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मैंने उनको कहा कि नहीं फ़ाइव नहीं टू मिनट्स उससे ज़्यादा मैं वेट नहीं करूँगी टू मिनट्स से थ्री मिनट्स नहीं होना चाहिए और यकीन करें कि वो दो मिनट के अंदर उसने पूरी टेबल जो है ना सजा दी अलहमद खाना बहुत अच्छा था और यह कि मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी थी इनका इस्पेशली मुझे जो है ना मटन हांडी वो बहुत ज़्यादा पसंद आया और मलाई टिक्का ये जो मेरी बेटी खा रही थी माशा बहुत ज़्यादा से, से ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने जो है मेरी बात का मान रखा और मैंने उनको सिर्फ यही कहा कि दो मिनट में आर्डर आना चाहिए और उन्होंने दो मिनट में ही के अंदर ही अंदर मुझे हमें आर्डर सर्व कर दिया माशा बहुत मज़ा आया आप लोग भी देखकर मज़ा कर रहे होंगे इन्जॉय करेंगे मेरी वीडियो को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया और दुआ में याद रखिए मिलेंगे अगली वीडियो में इन शाला तला अल्लाह हाफिज